ये वाले चार्ट्स जो है याद है कि एक बार वो कराना है कि आगे बढ़ो यहीं से। चलो एक बार जो है 1 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं और आपको ये चार्ट जो है मैं तैयार करा देता हूं, तो समझो। अप भ्रंश का वर्गीकरण जो है किसने किया? तो भोलानाथ तिवारी जी ने इसका जो है वर्गीकरण किया। किसने? भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, पहला जो नाम आता है वो क्या है अपभ्रंश में, कौन सा है? सौर सैनी। सौर सैनिक को जो है मध्यवर्ती भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो भाषा आई पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। एक मिनट में नितिन, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड हो जा बेटा, थोड़ा रिवीजन कर ले। पहाड़ी और जो है अपनी गुजराती लैंग्वेज आती है। एक मिनट लगेगा बेटा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मागधी, पूर्वीय अपभ्रंश भी से हम बोलते हैं, तो इसमें बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये आती है। फिर है हमारे पास अर्ध मागधी। क्या होगे? अर्ध मागधी। तो इसे बोलते हैं अपन मध्य पूर्वीय। इसमें जो है पूर्वी हिंदी आती है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट महाराष्ट्रीय। इसमें मराठी लैंग्वेज हमारी जो है आ जाती है। फिर है ब्राच्ट या पैसाची, इसे हम पश्चिमोत्तर बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी उत्तर। इसमें जो है हमारी पंजाबी, सिंधी, लहदा, ये 3 लैंग्वेज जो है हमारी इसमें आती हैं। अब देखो यहां से आपका दूसरा चरण स्टार्ट होता है अपभ्रंश का। ठीक है, अब थोड़ा जो है अपन को हिस्ट्री पढ़नी है। अपभ्रंश शब्द जो है सबसे पहले किस की रचनाओं में इस शब्द का जो है उल्लेखन हुआ है? तो अपभ्रंश शब्द था पतंजलि की किताब थी महाभाष्य। अपन जीके जब पढ़ते ना तो इतना आता है कि महाभाष्य किताब जो है किसने लिखी है, तो पतंजलि ने जो है इसे किताब लिखी। फिर कवि थे दंडी। दंडी की रचनाओं में भी जो है अपभ्रंश शब्दों का उपयोग हुआ है। फिर महाभाष्य पे टीका लगाया था, मतलब उसमें टीकाकरण का मतलब होता है चेंजेस करना, तो किया किसने था? केमिट ने। उसने जो है अपभ्रंश शब्दों को जो है उन शब्दों को अपभ्रंश कहा जो साधु समाज होता है ना, साधु लोग होते हैं जो लोक में जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो साधु के व्यक्ति जो होते हैं, साधु समाज जो होते हैं, उनके द्वारा जो शब्दों का उपयोग किया उसे उनने अपभ्रंश कहा। लेकिन प्राकृत व्याकरण चंड प्रथम ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से अपभ्रंश नामों का जो है उल्लेख किया है। अपभ्रंश जो है आते आते इसमें एक साहित्यीय भाषा बनी, यानी कि यहां पर साहित्य शुरू होगा। लेकिन हिंदी के साहित्यकार बोलते हैं कि 7वीं शताब्दी से जो है अपभ्रंश में जो है कहानी जो है अपने शब्द जो है लिखना शुरू हुए। कब? 7वीं शताब्दी में। 6वीं में तो भाषा बनी है और 7वीं में जो है इसमें रचना शुरू हो गई। अपभ्रंश साहित्य को हम 2 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में बांटेंगे अपभ्रंश साहित्य? 2 भाग में। एक तो पूर्ववर्ती काल और एक था हमारा उत्तरवर्ती काल। पूर्ववर्ती काल जो था 7 से 11वीं शताब्दी तक का जो समय है वो पूर्ववर्तीय काल के नाम से जानते हैं। क्या बोलोगे? 7 से 11वीं तक का समय। फिर 11 से लेकर 14 तक का समय जो है शताब्दी का वो उत्तर पर्वतीय अपभ्रंश का समय कहलाता है। ये टाइमिंग जो है डिवीजन गुलेरीनाथ ने किया है। किस कवि ने कर रहे हैं? गुलेरी। ठीक है, और इसी समय को जो है पूर्ववर्ती काल के नाम से जानते हैं। 11 से 14 शताब्दी का जो समय था वो कई नामों से, अलग अलग हिंदी के जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग शब्दों का उपयोग किया। तो सबसे पहला शब्द जो है इसका लिए, एक सेकंड
सबसे पहले इस शब्द को क्या कर रहे हैं हम, पुरानी हिंदी बोले से, क्या बोलते हैं, पुरानी हिंदी, इसे पुरानी हिंदी के नाम से जो है इसे जाने हैं। फिर पुरानी हिंदी को इनने एक शब्द और कहा अपहट, पुरानी हिंदी को क्या बोले अपहट के नाम से जानते हैं। फिर इसमें जो है बारहवीं सतही जब आती है तो अपभ्रंश की जो है व्याकरण तैयार की गई, और जो अपभ्रंश का ग्रामर था जो किस व्यक्ति ने तैयार किया है उनका नाम है हेमचंद। हेमचंद जो है पहले व्यक्ति थे जिनने इसके व्याकरण की रचना कर दी थी, यानी कि हमें लिखने के लिए शब्दों का उल्लेख जो है हो चुका था। फिर आते हैं मुक्तिबोध ऑप्टिक, ये शब्द है मुक्तिबोध ऑप्टिक, इसके राइटर थे तेसी तरी। इसने जो है अपभट की ये जो है अंतिम पुस्तक मानी गई है, क्या रहोगे अपभट की कौन सी अंतिम पुस्तक है ये। फिर एक आता है पृथ्वीरासो, पृथ्वीरासो किसकी पुस्तक थी, तो पृथ्वीरासो जो थी चंद्रवरदाई की पुस्तक थी, किसकी चंद्रवरदाई, ये जो है इसकी मूल रचना जो मानी जाती है अपभ्रंश में लिखी गई, क्या है ये किसमें लिखी गई अपभ्रंश में, जो है चंद्रवरदाई की ये पुस्तक थी इसको मानी जाती है। अब अपभ्रंश जो है कहां प्रयोग किया जाता था, तो अपभ्रंश जो है उत्तरी भारत में, कहां बोले हम उत्तरी भारत जो है वहां पर अपभ्रंश की जो है यूज किया गया, यानी अपने समय में ये जो पूरी लैंग्वेज हुई यूज वो कहां हुई उत्तर में यूज हुई, कहां पर उत्तर में। अपभ्रंश के कितने भेद, तो अपभ्रंश के तीन भेद हैं, कितने हैं अपभ्रंश के तीन भेद हैं, आगे रिपीट कर रहा हूं, अपभ्रंश के कितने भेद, तो अपभ्रंश के जो है तीन भेद होते हैं। नाम, सर नाम में पहला है नागर, पहला नाम नागर, दूसरा उपनागर, तीसरा ब्राचट। तो नागर का मतलब कहां की लैंग्वेज, ये गुजराती अपभ्रंश था, क्या बोले हम ये जो है गुजराती अपभ्रंश था, ये जो था सिंध क्षेत्र का था, सिंध क्षेत्र बोले तो पंजाब, पंजाब हो गया अपने इसी में, राजस्थान हो गया उसके बीच, वो क्षेत्र जो है पंजाब एंड राजस्थान का जो क्षेत्र था उसे सिंध क्षेत्र बोलते थे। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था वो उपनागर कहलाया, गुजराती और सिंध के बीच का क्षेत्र जो है उसे हम उपनागर बोले। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, तो इसके अंतर्गत जो है अपना राजस्थान का एरिया और दक्षिणी पंजाब का जो एरिया है वो इसमें आता है, ठीक है। तो अपभ्रंश के तीन वेद, नागर, उपनागर और ब्राचट। नागर कौन सा, जो गुजराती शब्द है, उपनागर कौन सा, जो दक्षिणी पंजाब और राजस्थान वाला, ब्राचट कौन सा, सिंध का जो क्षेत्र था वो कहलाते हैं। अगर हम इसकी बात करें अपभ्रंश काल के रचनाकार और उनकी कौन सी रचनाएं हैं लिखिए, तो सबसे पहले आते हैं जिनने कवि थे स्वयंभू, स्वयंभू को ऐसा कहा जाता है कि पहले कवि थे जिनने ना अपभ्रंश में रचना की थी, उनकी पुस्तक थी पौचरित, क्या हो गए पौचरित के नाम से जो है इन्हें एक पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक आपको याद रखनी है। दूसरी चंद्रवरदा, ये सभी याद करना है क्या, नहीं बेटा जिन जिन पर टिक कर रहा हो ना सिर्फ वो याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है एक ये कर लेना बस, श्रीधर की पासनाथ चरित जो है इसकी किताब थी, सिर्फ इसको याद करना। अब अपभ्रंश और आधुनिक भाषा के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, तो इसे हम अपभट कहते हैं। कल नीरज शर्मा बोला सर अपभ्रंश का एक नाम अपभट है, ठीक है, कल नीरज पर आया है, नीरज कल बोल रहा था नीरज सर अपभट है इसका। पुस्तक का नाम था वर्ण रत्नाकर, इस पुस्तक में सबसे पहले अपभ्रंश का जो है शब्द मिलता है। अपभ्रंश भाषा के अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा, तो पुरानी हिंदी से गुलेरी ने कहा है। तो तुमसे कोई पूछे ना अपभट को पुरानी हिंदी किसने कहा है, गुलेरी कहा, एमपीएसआई का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पुरानी हिंदी किसे कहा जाता है, तो पुरानी हिंदी जो है अपभट को कहा जाता है, याद रखना पुरानी जो हिंदी है आप किसे कहते हो, तो पुरानी हिंदी जो है अपभट को जाना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं चलूं कल की मेरी थोड़ी विद्यार्थियों क्लास याद होगी, सबसे पहले संस्कृत पढ़े आप, संस्कृत के बाद पाली पढ़े थे आप जहां तक मुझे याद है, पाली के बाद प्राकृत पढ़े थे, फिर आपने अपभ्रंश पढ़ा था, ठीक है, और अपभ्रंश के बाद जो है आपने अपवर्ड शब्द आया, अपवर्ड शब्द के बाद क्या पढ़ रहे हो आप, अपवर्ड शब्द पढ़ रहे हो, और अपवर्ड के बाद क्या आएगा आधुनिक भारतीय भाषा, यही पढ़े थे कल, आधुनिक भारतीय भाषा आने वाली है अपनी, यानी कि अब आ जाएगा अपन कहां पर, हिंदी पे आ जाएंगे, कहां जाएंगे अपनी हिंदी पर आएंगे। सिक्वेंस याद रखना, संस्कृत से स्टार्ट किए थे हम हिंदी पहुंचने वाले हैं, ठीक है, तो याद रखना
आप इसमें एक ऑब्लिक करके ऐसे रखना, अपवट इक्वल टू पुरानी हिंदी, आप जो है ऑब्लिक करके ऐसे रख लेना, अपवट इक्वल टू पुरानी हिंदी एंड गुलेरी। तो विद्यार्थियों ये चार्ट एक बना लोगे ऐसी, क्यों जो है याद रखने के लिए चार्ट ऐसे रख लोगे आप? चले नितिन, फिर आधुनिक भाषा। सर ये आधुनिक भाषा में आएगा क्या क्या? तो आधुनिक भाषा में जो है अपनी हिंदी देखने को मिलेगी, हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, बंगाली, ठीक है, इस प्रकार इन भाषाओं का जो है वर्णन होने वाला है अब। ठीक है सर, ये आधुनिक जो भाषाएं थी कब, किस शताब्दी से जो है इनका अस्तित्व देखने को मिलता है? तो अपन क्या कहते हैं सर, अपभ्रंश आप बोले हो 7 से लेके 14, अपभ्रंश का समय क्या था 7 से लेके 14, और आपने इसको दो टाइम पीरियड में बांटा, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। ठीक है, दो पीरियड में बांटे अपन अपभ्रंश को, तो 7 से 11 ये रहा और 11 से 14 ये रहा। तो अब जो अन्य आधुनिक भाषाएं विकसित किस शताब्दी से मानी जाती हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14वीं शताब्दी से जो है आपकी हिंदी और अन्य भाषाएं जो है डेवलप होना शुरू होंगे। क्लियर? चलिए तो देखो, पुरानी हिंदी यानी हिंदी बड़ा वाला पूरी है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से मानी जाती है, क्योंकि हिंदी का जो संबंध माना गया था, शिव सेंगर जो थे, शिव सिंह सेंगर, इन्हें 717 विक्रम संवत को मानते हैं। ठीक है, जबकि जो है चंद शर्मा गुलेरी, उन्हें उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, ये हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे, रामचंद्र शुक्ल, इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश में अपनी रचनाएं लिखी। तो अपन ने हिंदी साहित्य का ना यहां से आदिकाल, ठीक है, मध्यकाल, आधुनिक काल ऐसे बांट के पढ़ा है। तो रामचंद्र शुक्ल वो पहले कवि थे जिनने उत्तर अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी में जो है अपने साहित्य की रचना की थी। अब आता है कि सर अपन हिंदी से, सिंधु शब्द से हिंदी कैसे बनी? ठीक है, जो सिंधु शब्द था तो कैसे बनी, तो इसके लिए अपन को थोड़ा 1 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यान कहते हैं कि उत्तर अपभ्रंश ही हिंदी की रचना मानी जाती है। और इसके में क्या है, जब नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला ने ब्रज यान शाखा जो थी बुद्धों की, इसी पुरानी हिंदी को जो है अपने प्रचार के लिए भाषा का आधार माना, और सबसे पहला कवि जो है इसका माना जाता है हिंदी का पहला कवि, तो राहुल सांस्कृत्यान ने जो है पहला कवि सरहप्पा को बोला है। MPSI 27 जनवरी का क्वेश्चन था ये, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को कहा जाता है। डॉक्टर कवि डॉक्टर शिव सिंह सेंगन ने किसे माना है? तो उन्हें पुष्य या पुण्य नामक कवि जो है उसे माना है। जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? तो शालीभद्र सूरी को जो है इन्हें पहला कवि माना है। लेकिन अधिकतर लेखक राहुल सांस्कृत्यान ने जो माना है इसी को मानते हैं। तो हिंदी का पहले कवि का नाम बताओ, तो हिंदी का पहला कवि कौन था? सरहप्पा थे। हिंदी का फर्स्ट कवि कौन है? सरहप्पा के नाम से जानते हैं। अब आता है हिंदी शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसके चरण में हुआ? तो भोलानाथ तिवारी जो है कहते हैं कि हिंदी अंतिम चरण में जो है निशीथ चूर्ण का जो ग्रंथ था, क्या था अंतिम चरण में लिखा गया ग्रंथ था निशीथ चूर्ण, उसमें हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है मिलता है। हिंदू शब्द जो था फारसी था, फारसी मतलब ईरान की लैंग्वेज, ठीक है, ईरान की लैंग्वेज में है। ठीक है, फारसी जो है जब संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण था, क्या हो गए, संस्कृत शब्द तो था सिंधु, इसका क्या था फारसी रूपांतरण था। जब जैसे समय परिवर्तित होता गया तो हिंदू जो शब्द था ना ऊ की मात्रा का क्या हो गया, लोप हो गया, लोप मतलब विलुप्त हो गई, वो शब्द हटने लगा, तो शब्द क्या बचा, हिंद शब्द बच गया। ठीक है, क्या बच गया, हिंद शब्द बच गया। और इसके आसपास रहने वाले लोगों के कारण जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ा, यानी पीछे अगर कोई शब्द जुड़ता है ना तो आप सफिक्स बोलते हो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय शब्द का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया अपना आगे चल के, हिंदिक कहलाया। क्या कहलाया अपना, हिंदिक कहलाया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या कहलाया, हिंदिक कहलाया। फिर धीरे धीरे इसको उच्चारण करने में जो है हिंदिक बोलते थे तो अजीब लग रहा था, तो धीरे धीरे जो है हिंदी यहां से पड़ गया। ठीक है, अब हिंदिक बोलोगे, फिर अब का भी ऐसे बोलचाल में धीरे धीरे क्या हो गया, हिंदिक की जगह हिंदी आया। तो हिंदी शब्द मिला कहां से आपको,
फारस से, हिंदी शब्द मिला कहां है, फारसी लैंग्वेज से। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। यूनानी जो थे ना, अब कहते हैं यूनानी, वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, सिंधु नदी को इंडोस पढ़ते थे, इंडोस या इंडोस इसे जो है कहते थे। ठीक है, और यहां जो रहने वाले व्यक्ति थे ना, उन्हें हिंदोई बोलते थे, क्या बोलते थे, इंदोई नाम से जो है जानते थे। फिर धीरे धीरे इस शब्द का नाम में परिवर्तन क्या हो गया, इंडिका शब्द बन गया। क्या बन गया, इंडिका शब्द, जो बाद में जो है अंग्रेजी में इसका नाम जो है इंडिका हुआ, और धीरे धीरे जो है फिर से इंडिया शब्द जो है उल्लेखित हुआ। क्या हो गया, धीरे धीरे जो है इंडिया शब्द जो है यूज हो गया। अब आते हैं भोलानाथ तिवारी, आगे कहते हैं कि अमीर खुसरो वो पहला व्यक्ति था जिसने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया था, और अपने इस क्षेत्र में जो मध्य देशीय भाषा थी वो हिंदवी शब्द जो है यूज करते थे, जो चल के धीरे धीरे जो है हिंदी में परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में याद रखना, ग्रीक लैंग्वेज से इंडिका शब्द आया अपना तो धीरे धीरे इंडिया हुआ, और सिंधु शब्द था फारसी में तो उसका जब संस्कृत शब्द का रूपांतरण फारसी में किया गया तो हिंदू आया। तो कई बच्चे जो है, कई लेखक जो है आपको क्या पढ़ाएंगे कि सात को ना फारसी लोग क्या पढ़ते थे, हाँ पढ़ते थे, ऐसे बोलेंगे, सा को क्या पढ़ते थे वो लोग, हाँ पढ़ते थे। आपने कई बार हिंदी में पढ़ाया भी होगा बहुत सारे लोगों ने कि सा को हाँ पढ़ते थे, लेकिन स्टोरी ये है पूरी। ठीक है, स्टोरी ऐसे है, अब ऐसे याद रख लेना कि सिंधु जो था उत्तर, जो संस्कृत भाषा का शब्द था, जब इसमें फारसी में से रूपांतरण हुआ तो हाक को वो जो है, सा को जो है हा लिखने लगे। ठीक है, और यहीं से क्या आया हमारे पास, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब जब 19वीं सदी थी तो हिंदी के शब्दों में दो नए शब्द जो है हिंदी के लिए प्रयुक्त होने लगे, एक तो था उर्दू और एक था रेखता शब्द, ये इसके समानार्थी थे। ठीक है, समानार्थी मतलब पर्यायवाची टाइप के, तो हिंदी के लिए हम इसका शब्द का उपयोग करते थे। उर्दू जो था किस लैंग्वेज का शब्द था, तुर्की, जो किसके लिए होता था, शाही शिविर के शब्द के लिए या कोई खेमा होता था उसके लिए हम इसे यूज करते थे। जबकि जो हमारा रेखता शब्द था ये जो है छंद और संगीत के क्षेत्र में जो है इसका उपयोग करता है। हिंदी को सबसे पहले लिखित में किसने जो है किया, तो कैप्टन टेलन थे, इनने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज था कोलकाता में, उसमें इसका वार्षिक विवरण में जो है हिंदी शब्द जो है उल्लेखित हुआ, और उनने कहा हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, इस क्षेत्र के लोगों की भाषा जो है हिंदी है, इस कारण इसे हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। अब बनता है बेटा क्वेश्चन, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा, कहां से, यहां से जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन बनता है। बताओ रे, हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, हिंदी क्षेत्र में आपके जो है कौन कौन से प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे विद्यार्थियों को मैप याद है, ठीक है, तो उसे कभी याद नहीं करना, जिस विद्यार्थी को माइंड में मैप याद चल रहा होगा ना वो कभी याद नहीं करेगा। मैं डायग्राम जगह दिखा देता हूँ, देखो एक मिनट देख लो, हरियाणा, हिमाचल, नीचे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, करना है क्या विद्यार्थियों यार, क्यों सभी लोग बोलो यार, करोगे क्या, वैसे याद कर लोगे। अब आ जाओ, ये रहा आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हिंदी उपभाषा बोलियां, हिंदी उपभाषा बोलियां। अब आ जाओ बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आज से अपन पढ़ेंगे, अब हम बोली शब्द पर पहुंचे हैं। बेटा अभी इनकी मैंने डेफिनेशन नहीं दिया हो कि उपभाषा क्या होती है, विभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, राज्यभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, ये पांच क्वेश्चन लिख लेना मेरी तरफ से, तीन तीन नंबर कराऊंगा ये। ठीक है, तो बेटा आपने ध्यान से पढ़ना, चार्ट बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट पेज देख लो कहाँ रखा है मैंने। अब क्या अपन को चार्ट लेके जो है अपन पढ़ने वाले हैं, यानी माइंड में डायग्राम चलना चाहिए। तो हम क्या है ज्योग्राफी वाले टीचर, तो
तो हमारा काम तो बिना मैप के नहीं चलेगा। और आप सभी जो है मैप के आधार पर जो 2 मिनट में समझ जाओगे सर कैसे याद रखना है। ठीक है, बन गया। अच्छा हिंदी पहला उपवंश क्या है? हिंदी। उपभाषा क्या ले रहे हैं सर आप? एंड बोली कौन सी ले रहे हो? ठीक है, उपभाषा एंड बोली का क्षेत्र तो मैं बोला पश्चिमी हिंदी लिखूंगा मैं पहले। क्या लिखेंगे अपन? पश्चिमी हिंदी लिखेंगे। क्या बोलूंगा मैं? पश्चिमी हिंदी। तो अब इसकी बोली की बात करें सर। जी सर, क्यों नहीं सर। तो पहले लिखे मैंने हरियाणी। क्या लिखा मैंने? हरियाणी। तो अब आपका मैप में माइंड में जाना चाहिए सर हरियाणा से स्टार्ट कर रहे हो आप। आपका माइंड में मैप क्या आना चाहिए कि अपनी जो बोली की स्टार्टिंग है कहां से हो रही है? इस जगह से हो रही है। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? हरियाणी से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणी भाषा को, हरियाणी की बोली को किस अन्य नाम से जानते हो? तो इसी को आप बांगरू बोलते हो। क्या बोलते हैं अपन इसी को? बांगरू के नाम से जो है जानते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या नाम से बोलोगे? बांगरू के नाम से जो है इसे जानते हैं। कौरवी को ही हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। कौरवी को हम क्या बोल रहे हैं? खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। 2 शब्द हो गए आपको, मैंने 2 शब्द करा दिया हूं। ठीक, क्या किशोर कुमार ने तो बांग जो इस अच्छा राहुल सांस्कृत्यान जो है ना उनने इसका नामांकन किया था कौरवी बोली का। राहुल सांस्कृत्यान जो थे उनने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अब आ जाओ नेक्स्ट ब्रज। अब सर ब्रज भाषा अगर आप बोल रहे हो तो मथुरा आगरा वृंदावन का जो एरिया बेल्ट है ना यहाँ ब्रज भाषा बोलने वाले लोग की जो है मात्रा ज्यादा है। अगेन राइट बोला, यानी सर आप यूपी बेल्ट पढ़ा रहे हो। अब हम बोली में किस साइड बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे जो यूपी का बेल्ट है ना उसमें आ गए। तो ये तो आपको सर इधर का जोन जो है आप खेल रहे हो अभी। ठीक है, देखो ऐसी बोली याद करना, मैप याद करो बेटा पूरा याद हो जाएगा हाल। अब आपने एक शब्द सुना होगा कन्नौजी। तो यूपी का जो कन्नौज क्षेत्र से है ना वहां से हमारी कौन सी भाषा डेवलप हुई? कन्नौजी भाषा आई। कौन सी भाषा आई? कन्नौजी। यूपी के तराई क्षेत्र में दक्षिणी जो शब्द है ये बोली का प्रयोग किया जाता है। फिर यूपी और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक बोली और बोली जाती है बुंदेली। कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। अब मैं अगर मैप में जाऊं ना तो ये क्षेत्र रहा विद्यार्थियों मेरा, ये भाषा का जो क्षेत्र है अपना कैसा है? पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो इस बेल्ट में जो है अपनी ये वाली हिंदी का क्षेत्र रहा। क्लियर हुआ? एक एक शब्द बताया हूं देख लो। ओ हीरो, एक एक शब्द हरियाणी, कौरवी, फिर कौरवी बोले तो खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, दक्षिणी, बुंदेली। लिख लोगे भाई साहब? ओ हेलो, हाय हेलो, सब प्रेजेंट है। स्वर सैनी अपभ्रंश। क्या हो गए? स्वर सैनी अपभ्रंश। तो इसको हम 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला भाग कहलाता है राजस्थानी। तो राजस्थानी की उपभाषा, तो यानी सर अब आप जो है ना इस वाले बेल्ट में घुस रहे हो। ठीक है, आप जो है राजस्थानी वाले बेल्ट में जो है अब जा रहे हो। ऐसा मेरे से ले लो राधिका। ठीक है, अब देखो कैसे याद करोगे। मारवाड़ी। क्या होगे? मारवाड़ी जयपुर के आसपास की भाषा जयपुरी। इसी को हम एक लैंग्वेज के नाम से और जानते हैं दूधाड़ी। इसी को आप क्या बोलते हो? दूधाड़ी के नाम से जानते हैं। क्या बोलोगे इसे? दूधाड़ी के नाम से जो है जानते हैं। मेवाड़ के जो क्षेत्र था ना उसके आसपास की भाषा बोली जो है मेवाती बोलते हो सर वहां। तो क्या बोलते हैं हम? मेवाती। और जो दक्षिणी राजस्थान सर और अगर हमारे जो मालवा के रीजन की जो भाषा थी दक्षिणी राजस्थान एंड जो मालवा की जो भाषा थी सर यहाँ की भाषा को आप क्या बोले हो? तो हम यहाँ बोलते हैं दक्षिण राजस्थानी और इसी को हम बोलते हैं मालवी भाषा। तो इन चारों लैंग्वेज का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो स्वर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इन चारों का जो विकास है किससे हुआ है? तो इन चारों का विकास किससे हुआ है? स्वर सैनी से हुआ है। स्वर सैनी का एक और वर्ग होता है पहाड़ी। ठीक है,
इसका एक बार और क्या होता है, पहाड़ी। सर पहाड़ी बोले तो सर आप जो है उत्तराखंड की बात कर रहे हो, क्योंकि पहाड़ वगैरह तो जो है उत्तराखंड में मिलेंगे। मैंने सही पकड़ लिया आप लोग। तो ये जो बेल्ट है ना, ये वाला बेल्ट, ठीक है, ये जो बेल्ट बना रहा हूं मैं, यहां होगी। तो उत्तराखंड में ना दो जनजाति मिली, गढ़वाल, इनकी भाषा हो गई गढ़वाली, और दूसरी भाषा कहलाई कुमाऊनी। बोलो, यहां तक बोली याद करनी पड़ रही है कि याद कर हो रही है? क्यों विद्यार्थी हो, मजा आ रहा है? अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट है अर्धमागधी। अर्धमागधी मैंने बोला था, अगर भी याद हो, थोड़ी देर पहले बताए थे, पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हो सर आप। अर्धमागधी का अपने आपका मीनिंग समझ गए। अर्धमागधी का शब्द का मीनिंग होता है पूर्वी हिंदी। क्या है अर्धमागधी का मतलब सर? आप पूर्वी हिंदी की बात करें। बेटा प्रियांशु, बेटा नमस्कार। तो देखो, ये कहां से स्टार्ट होती है? अवध से स्टार्ट होती है, यानी जो अयोध्या वाला एरिया है, अवधि। फिर सर हमारे बघेलखंड में से बघेली बोलेंगे। बघेलखंड में क्या बोलोगे आप? बघेली कहेंगे। और बघेलखंड से लगा हुआ रीजन कौन सा है? सर छत्तीसगढ़ लगा है, तो जिसे छत्तीसगढ़ी बोल दो आप। बघेलखंड से लगा हुआ रीजन क्या है? छत्तीसगढ़ी। अब आ जाओ, नेक्स्ट बार गया आपका मागधी। सर मागधी मतलब बिहारी। मागधी मतलब क्या बात कर रहे हो आप? बिहारी हिंदी जो है ना, उसकी बात करेंगे। तो बेटा आप कौन सा बेल्ट पहुंच गए अपन? ये वाला बेल्ट पहुंच गए ना अपन। और अभी जो से पहले बताए थे हम, अर्धमागधी वाला कौन सा था? ये बेल्ट था। ठीक है, अब आ जाओ, बिहार में कौन सी है? सर बिहार की तो भोजपुरी पढ़ी हमने। मैं मेरे को सही पकड़े तुम लाला, भोजपुरी पढ़ी है सर, मगही पढ़ी है वहां की, मगही। ठीक है सर, मैथिली भी पढ़ी है हमने, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। भाई साहब, ये हो गया आपका क्या कंप्लीट? ठीक है, यहां से जो है आपका कंप्लीट हुआ, हो गई उपभाषा परिवार। इसे बोलते पांच उपभाषा परिवार जो है, आपको ये याद हुआ होगा। अब आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि हिंदी की प्रमुख बोली और जो है नामांकन किसने किया? हिंदी की प्रमुख बोली और इसका नामांकन जो है किस व्यक्ति ने किया? ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। तो देखो, कौरवी भी मैंने बोला, कौरवी या खड़ी बोली, ये राहुल सांस्कृत्यान ने जो है इसे बोला, ब्रज था ईश्वर चंद्र ने। तो ये दो शब्द जो है ज्यादा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डिंगल शब्द जो था बाकीदास के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का जो है प्रयोग किया। राजस्थानी और बिहारी शब्द जो है किसने दिया आपको? गियर्सन ने। तो ये पांच शब्द जो है आप अच्छे से तैयार करना। भारत के भाषा परिवार के अंतर्गत किसका क्षेत्र कौन सा है, बताइए कितने परसेंट? तो कल एक बच्चा था ना, कोई पूछ रहा था कितने परसेंट वाला क्षेत्र है, तो मैं बोला था कि बेटा भारकोई जो समुदाय है, जो परिवार है, ये भाषा के अंतर्गत सबसे बड़ा परिवार है। क्या रहोगे? सबसे बड़ा परिवार जो है ये है। ठीक है, जो है 70% तक लगभग लोग जो है इसे बोलते हैं। ये कहाँ का होता है? ये उत्तर भारत का क्षेत्र है। बच्चा पूछा 25% है, ये द्रविड़ परिवार है, इसे दक्षिणी क्षेत्र में बोलते हैं। क्या हो गया? दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो है उसमें से बोला जाता है। आस्टिक, आस्टिक बोले तो सर जनजातीय क्षेत्र। आस्टिक बोले तो क्या बोला मैं? जनजातीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चीनी और तिब्बतीय क्षेत्र, सर तिब्बत बोले तो हिमाचल जो है, हिमाचल का जो रीजन है वो, आप रीजन की बात कर रहे हो। तो आपको सिर्फ ये कि यही पॉइंट रखना है, परसेंटेज आज तक नहीं पूछा तो इसे मत करना। आप तो ये देखना, भारतीय परिवार बोले तो उत्तर भारत, द्रविड़ बोले तो दक्षिण भारत, आस्टिक बोले तो जनजाति, चीनी तिब्बत, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? मध्यकाल में जो है हमारा अवधी भाषा का विकास माना जाता है। अवध प्रांत की जो बोली थी अवधी कही जाती थी। मैंने क्या बोला था जब अवधी समझाया था कि जो अवध का क्षेत्र है वहां इसको हम बोलते थे। और अवध के क्षेत्र में सेंटर क्या हुआ करता था? अयोध्या। सुने हो, अयोध्या जो था इसका सेंटर है। तो अयोध्या क्या है? इसका सेंटर है। ठीक है, इसमें इसकी लैंग्वेज क्या है? अवधि का सेंटर किसे माना जाता था? अयोध्या माना जाता था। अब देखो, अवध प्रांत के अंतर्गत कौन सा आता था? लखीमपुर खीरी, बहिराज, बाराबंकी, सीतापुर,
उन्नाव, लखनऊ, गोंडा, सुल्तानपुर, रायबरेली, जौनपुर, फैजाबाद, हरदोई, अयोध्या। तो ये जो फैजाबाद है ना, फैजाबाद अयोध्या का नाम परिवर्तन हो गया। ठीक है बेटा, अवध प्रांत बोलो रजनी, और अवध प्रांत में इतने जिलों में फैला था ये। ठीक है, क्या समझे रजनीश बेटा? ये सभी जिले को हम क्या बोलते हैं? अवध बोलते थे, समझ गए? इतने सभी जो है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखो। नहीं, पर ये समझाया मैंने, अल्लाह दाऊद, कुतुबंद, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, आपने पढ़ा होगा। सब पद्मावत की भाषा कैसी थी? तो सर पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। ठीक है, तुलसीदास, बाबा रामचंद्र दास, ठीक है, उस्मान, संबल सिंह, महाराजा रघुराज सिंह, ये क्या थे? इस भाषा के प्रमुख कवि हुआ करते थे। क्या रखोगे? इस भाषा के प्रमुख कवियों के नाम थे ये। अब आ जाओ, भक्ति काल में प्रेम की व्याख्यान काव्य अवधी भाषा में लिखा गया। राम भक्ति का साहित्य कौन सा था? तो ये भी अवधी था। क्या था? राम भक्ति का साहित्य किसे माना गया? तो अवधी। बेटा मैं प्रिंट दूंगा, ठीक है? अरे बेटा कंपलसरी नहीं है। जगनी, जगनी की मैंने आपको जब हिंदी पढ़ाई थी ना, तो बोला था आलाखंड। क्या पढ़ाया था मैं आपको? आलाखंड पढ़ाया था। और मैं उस समय तुम लोगों से बोला था कि बेटा इसमें ना 52 लड़ाई का उल्लेख है, तुम्हें ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, और इसमें ना अवधी की ये पहली रचना मानी गई है। अवधी जो है पहली रचना मानी गई, और आलाखंड जो थी, जगनी कृत जो थी, परमल रासो थी। मैं पुस्तक परमल रासो, जो पूरी पुस्तक तो नहीं बची, इसके एक खंड को हम क्या बोलते थे? आलाखंड कहते थे। ठीक है, जिसमें आला और उदल की जो है क्या थी, रचनाएं थी। इसमें आला उदल ने जो 52 लड़ाई लड़ी थी, उसका उल्लेख जो है इसमें माना जाता है। अब लड़ाई है तो इसमें क्या है? वीर रस और भक्ति रस। याद रखना अवधी भाषा के दो रस, जब रस का टॉपिक आएगा ना, तो पूछ लूंगा तुम लोगों से। तो इसमें ना बेटा दो रस कामयाब हुए, एक तो वीर रस और एक भक्ति रस। भक्ति रस का मतलब क्या है? अपने प्रभु की रचना करते हुए जो लिखा है उसे भक्ति रस कहते हैं। अब आ जाओ, मुल्ला दाऊद की पहली कृति अवधी की पहली रचना जो है किसे माना गया है? ठीक है, तो अधिकांश जो साहित्यकार थे वो मुल्ला दाऊद की किताब को बोलते हैं। दो एक साथ नहीं पूछेंगे, अपन ने पहली जगनिक मानी है। कई साहित्यकार क्या बोल रहे हैं कि मुल्ला दाऊद की जो है लोर कहा या चन्नायन, क्या होगे? लोर कहा, चन्नायन को जो है माना जाता है। इसमें जो है दोहा और चौपाई, जब हम आपको छंद पढ़ाएंगे तो ये शब्द मिलेंगे, दोहा और चौपाई। ठीक है बेटा रजनी, और लोर कहा और चंद्रायन जो है ना, ये बिहार में इसकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि एक लड़की को जीतने के लिए ना, लोर कहा जो थे ना, उनने एक ही तलवार में पूरे पहाड़ के जो जो पेड़ होता है ना, दो टुकड़े कर दिए थे। आज भी वो जो है ना, दोनों पेड़ ऐसे ही हैं। ठीक है, तो चंद्रायन लोकायन जो है ना, चंद्रायन लोर कहा, ये बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आ जाओ, कुतवन, ये मृगावती, बस सिर्फ पुस्तक का नाम याद कर लो, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। प्री में जो है एसआई में बहुत काम आएगी, जितने मेरे विद्यार्थी एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी किताब जो है जरूर लेना। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग कवि थे ये। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, पद्मावत। ठीक है, इसमें पद्मावत जो था आपने भी देखा होगा। ठीक है, पद्मावत जो थी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक। ठीक है, पद्मावत की आपसे ये पूछी जाएगी किस भाषा की पुस्तक है, तो आप क्या बोलोगे? सर ने हमें अवधि पढ़ाई है। क्या रखोगे? अवधि। तो आगे चलते हैं आप नेक्स्ट। फिर उस्मान की चित्रावली, उस्मान की पुस्तक है चित्रावली, सिर्फ नाम याद कर लो। ठीक है, उस्मान की पुस्तक है चित्रावली। नरपति व्यास, इनने नल और दमयंती की रचना लिखी थी। इनने नल और दमयंती की जो प्रेम गाथा थी, शिवपुरी के राजा नल और दमयंती जो है, इसकी प्रेम गाथा पर जो है अवधी भाषा में ये लिखी गई पुस्तक है। अब अवधी भाषा के एक और प्रमुख कवि थे तुलसीदास, इन्हें राम भक्ति शाखा को जो है अवधी में इनकी किताब लिखी गई, और इनकी जो प्रमुख, जिन्हें जो प्रसिद्धि मिली राइट, वो मिली इन्हें रामचरित मानस से। रामचरित जो मानस इनकी पुस्तक थी ना, ये काफी इन्हें फेमस किया। इस पुस्तक को 7 खंड में जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, चलेगा इस तो हमारी क्या है, इसके आगे मैं कल ही कर पाऊंगा, मेरी ट्रेन निकल